नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आप लोग को इन प्रोग्रेस यानी कि इस तरह से जो है आप लोग को लिख के आ रही होगी तो कैसे ठीक करेंगे और कब ठीक होगा इसके बारे में जानते हैं। बाद बाकी जो भी नया आंगनबाड़ी सेविका है या पुराने आंगनबाड़ी सेविका है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पे चिल्ड्रेन है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी यानी कि जो है इन प्रोग्रेस का यानी कि अनवेरीफाई है और यहाँ पे आप लोग को लिख के आ रही है क्रिएट फॉर बेनिफिशरी अकाउंट इन प्रोग्रेस यानी कि आप लोग को जो है ये प्रोग्रेस में है यानी कि जो है अभी आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो कहीं पे आप लोग को जो है टिक आउट नहीं होगी यानी कि जो है खुलेंगे ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे भी आप लोग को सिर्फ मार्क लग रही है लेकिन क्लिक नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है आप लोग को क्या करेंगे अगर इन प्रोग्रेस आ जाती है तो आप लोग किस तरह से जो है ठीक करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए सभी आंगनबाड़ी सेविका कि जैसे कि आप लोग इन प्रोग्रेस आ जाती है तो आप लोग घबराए नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे थ्री डॉट पे भी क्लिक करते हैं तो नहीं हो रहा है। अदर जगह भी हम लोग कर रहे हैं क्लिक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो है क्रिएट ए बेनिफिशरी इन प्रोग्रेस लिख के आ रही है। तो हम लोग इस प्रक्रिया में क्या करेंगे कि एक दिन रुक जाएंगे। एक दिन रुक जाने के बाद आप लोग या 5 घंटा हो या 10 घंटा हो या एक दिन बाद आप लोग फिर से पोषण ट्रैकर खोलेंगे। इस तरह से जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि तो बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है 0 से 6 माह तक के बच्चे में जो है हमने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें जो है आप लोग को यहाँ पे 9 थी। अब क्या हो गया है कि अब आप लोग को जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे कि 10 हो गई। तो अब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होते हैं येलो कलर करके आप लोग को जो है इन प्रोग्रेस करके आ रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आ रही थी इन प्रोग्रेस का तो ये आप लोग को अब हट गई। हटने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आसानी से आधार वेरिफिकेशन है, मोबाइल वेरिफिकेशन है या आप लोग यहाँ पे अपडेट नाउ यानी कि जो है चिल्ड्रेन का जो है आधार कार्ड अपडेट अब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिए। मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग को दिख रही होगी आधार कार्ड यानी कि इनका मदर का हो या फादर का हो इनका आधार वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स है अगर सही हो जाती है और वेरीफाई मारेंगे तो आप लोग को इस तरह से जो है आसानी से जो है आधार वेरीफाई यानी कि आधार वेरीफाई सक्सेसफुल ले लेगी। यहाँ से आप लोग आसानी से बैक हो सकते हैं। बैक होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई भी हो गई। इस तरह से जो है अगर आप लोग को इन प्रोग्रेस आ रही है तो 5 घंटा हो, 10 घंटा हो या एक दिन बाद अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग को प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अभी आप लोग को आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन हो गई और इस तरह से जो है आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन हो या इन प्रोग्रेस में अगर लाभार्थी चली जाती है तो आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का आप लोग का प्रॉब्लम था आप लोग को सॉल्व हो गई। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।